स्वागत है आपका। हमारा यह चैनल सभी चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है। हम कुछ आपको पढ़ाने नहीं आते हैं, बस एक वे बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इंग्लिश बोल पाए। हर वीडियो में मैंने आपको बुलवाने की कोशिश की, इस वीडियो में भी मैं आया हूं आपके साथ एक टंग ट्विस्टर के साथ। आप इस टंग ट्विस्टर को पढ़ें, रिपीट करें, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ एंजॉय करें। टंग ट्विस्टर। इफ अ डॉग चूज शूज, हुज शूज डज ही चूज? If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Repeat this tongue twister. आपने tongue twister देखा, tongue twister पढ़ा। अब चलते हैं अगले round, जिसे हम बोलते हैं topic round. The person I like the most in my family is my father. The thing I like in him is his gentleness. He never beats me, but only scolds me. My father has a lot of patience. He also understands my feelings and sadness. He encourages me to read a lot of books. Every day he spends some time to play with me. We play card games, caroms, etc. Before going to bed, he asks us about the things happened in our class. During the weekend, we go for a week. I long for the weekend because I can talk to him about everything. He is my best friend because he knows all my secrets. I love my father and he loves me a lot. सबसे ज़्यादा मैं अपने परिवार में अगर किसी से प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो वो मेरे पापा हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो उनका जेंटलनेस है, उनका उदार नेचर है। वो कभी मुझे पीटते नहीं हैं, सिर्फ डांटते हैं। मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है। वो हमेशा मेरी फीलिंग को समझते हैं और मेरी उदासी को समझते हैं। वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। हर दिन वो कुछ समय बिताते हैं खेलकर मेरे साथ। हम कार्ड गेम्स खेलते हैं, कैरम्स खेलते हैं। सोने से पहले वो हम लोगों से पूछते हैं आज जो भी हमारे क्लास में घटित हुआ, जो भी घटनाएं हमारे क्लास में हुई। छुट्टियों के दौरान हम लोग एक सप्ताह के लिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ वीकेंड पर जाना ताकि हम उनसे सभी चीज़ के बारे में बातें कर सकें। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो हमारे सारे सीक्रेट्स, रहस्य को जानते हैं। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट हम नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनिटिव की सहायता से ही बना सकते हैं, यह मैंने बताया था। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रिडिकेट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी सब्जेक्ट क्या है। चलिए आज सब्जेक्ट को हम एक दूसरे अंदाज में सीखते हैं और साथ ही साथ प्रिडिकेट भी सीखेंगे। एक सेंटेंस का नेमिंग पार्ट सब्जेक्ट होता है और टेलिंग पार्ट प्रिडिकेट होता है। चलिए यह समझते हैं कि नेमिंग पार्ट हम किसे कहते हैं। नेमिंग पार्ट बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में और क्या चीज के बारे में बातें कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल इज द एप्पल इज रेड, तो नेमिंग पार्ट्स यह बताता है कि सेंटेंस क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो जैसे ही एग्जाम्पल हम लेते हैं द एप्पल इज रेड, तो रेड क्या है? द एप्पल। इसलिए नेमिंग पार्ट इसमें द एप्पल होगा क्योंकि उसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हैं, तो द एप्पल सब्जेक्ट होगा। अब समझते हैं प्रिडिकेट। प्रिडिकेट हम उसे कहते हैं इंक्लूडिंग वर्ब, मतलब प्रिडिकेट में वर्ब भी होता है। प्रिडिकेट हम उसे कहते हैं जो हमें यह बताता है कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज क्या है, क्या करता है या उसके पास क्या है। अगर हम एग्जाम्पल से इसे समझना चाहते हैं तो मिस्टर प्रीतम लॉस्ट हिज हैट, तो मिस्टर प्रीतम ने क्या किया? तो मिस्टर प्रीतम ने अपने हैट को खो दिया। तो नेमिंग पार्ट्स मिस्टर प्रीतम होगा। टेलिंग पार्ट यह भी बात करता है कि कोई इंसान क्या करता है। तो मिस्टर प्रीतम लॉस्ट हिज हैट, मिस्टर प्रीतम ने अपने हैट को खो दिया, तो लॉस्ट हिज हैट प्रिडिकेट होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल सीखें, अ बी बज्ड अराउंड मी, ए बी जो है वो हमारे
आसपास घूमता है, भनभनाता है। तो बज्ड अराउंड मी यहाँ पर एक प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपके सामने रखूं ताकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और अच्छे से आप क्लियर कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं सेंटेंस में जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जब भी किसी सेंटेंस में क्या और किसको क्या आंसर दिया जाता हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे खुशी फीड्स द बेबी, मतलब खुशी किसको खिलाती, खुशी बेबी को खिलाती है, तो ऑब्जेक्ट बेबी हुआ। अभय प्लेड वेल एंड वॉन द ट्रॉफी, अभय ने क्या जीता, तो अभय ने ट्रॉफी जीता। तो पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ, जब वॉट और हुम की बात हो, क्या और किसको की बात हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए भी बता दूं कि अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और अगर अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करते हैं इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आज भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ लिविंग थिंग ही होता है। ये आसान तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने का। बाकी फ्यूचर में मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अभिषेक थ्रू पेबल्स इन द पॉन्ड। इस सेंटेंस में अभिषेक ने कंकड़ पत्थर फेंका तालाब में। इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, पेबल्स, कंकड़। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नहीं आता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पेबल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, वर्षा पास्ट पैकेट टू अंजलि। इसमें आप गौर करें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पैकेट है, दूसरा अंजलि है। और जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो एक डायरेक्ट होगा, एक दूसरा इनडायरेक्ट होगा। तो पैकेट नॉन लिविंग है तो पैकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अंजलि लिविंग है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक और बात कि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आए वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता है। इज इट क्लियर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों हो सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ लिविंग थिंग होता है। आई एम वेरी प्लीज्ड फॉर यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट।